नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2023 के माध्यम से LLB का एंट्रेंस होना है, LLB का एडमिशन होना है, चाहे वो BHU हो, चाहे वो DU हो, चाहे कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। तो आप सभी की लगातार क्वेरी थी कि सर एक ऐसा कंप्लीट वीडियो दीजिए जिसमें CUET LLB की एक एक इंफॉर्मेशन मिल जाए, चाहे वो पेपर कोड हो, चाहे वो सिलेबस हो, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हो, एप्लीकेशन फॉर्म फीस हो, सारी चीजें यानी A to Z इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहुंचाऊंगा। यानी अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो पहले क्या क्या बातें थी, पेपर कोड पहले क्या था, सिलेबस पहले क्या था, पैटर्न पहले क्या था, अब क्या है, तो पुराने और नए का कंपैरिजन, नया में क्या है, वो सारी चीजें यानी ओवरऑल जो आपके लिए जरूरी है LLB में जानना, CUET LLB का अगर आप एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो ये वीडियो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से सुन लीजिएगा कंप्लीट, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको LLB के लिए कहीं पर भी इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने एनालिसिस के साथ मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, यदि आप हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं स्टडी कैपिटल का, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, CUET की सही गाइडेंस के लिए, प्रॉपर गाइडेंस के लिए और CUET की तैयारी के लिए, और साथ ही साथ CUET के एक एक लेटेस्ट अपडेट समय पर और सही अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाएगी। और आज ही नहीं, अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है, आपके एडमिशन के दिन तक यानी आपका एंट्रेंस होगा, आपका रिजल्ट आएगा, आपकी काउंसलिंग होगी, आपका एडमिशन जब तक नहीं हो जाएगा तब तक हम आपको वीडियो के माध्यम से हेल्प करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। सबसे पहले पॉइंट पर अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो चेंज हुआ है CUET PG LLB के लिए, वो आपका चेंज हुआ है पेपर कोड। जो प्रीवियस पेपर कोड था, आप सभी को पता है कि PG QP 40 था, लेकिन अब जो है पेपर कोड बदल चुका है। उस पेपर कोड को NTA ने बदल के कर दिया है CO QP 11। यानी अगर आपको फॉर्म भरना है तो अब आपको CO QP 11 डालना होगा, आपको PG QP 40 का ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो पहली बात तो ये हो गई, पेपर कोड को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लीजिए, ये ओल्ड पेपर कोड, ये न्यू पेपर कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलेट पॉइंट्स को जरा देख लेते हैं कि किन किन बुलेट पॉइंट्स पर आज की इस वीडियो में चर्चा होगी। फॉर्म की फीस कितनी है, पेपर कोड मैंने बता दिया, एग्जाम का पैटर्न मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, मार्किंग की स्कीम आपको इस वीडियो में बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको इस वीडियो में बताऊंगा, सिलेबस आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आपको बताऊंगा, एग्जाम की डेट, एडमिशन प्रोसेस एंड तैयारी कैसे करें, वो पूरी बात आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट पर, पहला है एप्लीकेशन फॉर्म की फीस। तो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस सेम है जैसे MMSC कोर्सेज के लिए, वैसे LLB के लिए भी है। जनरल कैटेगरीज के लिए 1000 रुपीज, EWS और OBC के लिए 800, बाकी कैटेगरीज के लिए 700 और 750। ये हो गया आपके एप्लीकेशन फॉर्म की फीस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वो है एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या होगा। अगर एग्जाम के पेपर पैटर्न की बात करें तो अभी मैं आपको यहां पे जनरल तौर पर बता दे रहा हूं, फिर जब सिलेबस दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर LLB की बात करें तो LLB का पेपर जो है एक कॉमन पेपर होगा, इसीलिए इसका कोड CO QP 11 रखा गया है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज इस कोड में शामिल है और सभी का कॉमन पेपर होगा। उस कॉमन पेपर में क्या क्या शामिल होगा सुन लीजिए, हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज दैट इज जनरल अवेयरनेस, उसके बाद कंप्यूटर बेसिक्स, लॉजिकल रीजनिंग। इस तरीके से आपका ये CO QP 11 का पेपर कोड के रूप में बताया गया है, एग्जाम पैटर्न के रूप में। अभी मैं वेबसाइट वाला दिखाऊंगा तो उसमें ज्यादा क्लियर होगा आपको। अब देखिए मार्किंग स्कीम क्या है, यानी सिलेबस से पहले वो सारी चीज जानने से पहले मार्किंग स्कीम भी जान लीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, टोटल 100 क्वेश्चन आपके आएंगे और ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। अगर सही करते हैं तो +4, अगर छोड़ देते हैं तो 0, अगर गलत करते हैं तो -1। ये आपकी ओवरऑल मार्किंग स्कीम है, जो वेबसाइट का स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ है। ओवरऑल इसका जो कहने का बात है वो यही कह रहा है। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या क्या मांगती हैं आपकी अगर LLB आपको करना है। तो LLB के लिए आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10+2+3, यानी आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएशन या तो आपका कंप्लीट हो या तो अपियरिंग हो तो चल जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो जनरली बहुत कम ही यूनिवर्सिटीज कोई एज लिमिट लगाती हैं। NTA ने तो कुछ नहीं लगाया है, बाकी किसी यूनिवर्सिटी ने अगर अपने उसमें लगाया होगा अपने काउंसलिंग प्रोसेस में तो वो अलग बात है, लेकिन NTA ने कोई एज लिमिट नहीं लगाया है। अब आते हैं सिलेबस और यूनिवर्सिटीज पर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संजीदा टॉपिक है कि सर ये नया सिलेबस और कितनी यूनिवर्सिटीज ऐड हुई हैं। तो इसको ध्यान से बारीकी से एक एक बात सुनते जाना, एक एक बात समझते जाना आप लोग। सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले किस पर बात करते हैं, सिलेबस क्या होगा, उसके बाद नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज पर। तो ये आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, ये स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ है कि CO QP 11 जो कि एक जनरल पेपर है, यही आपके LLB का पेपर कोड है। अब इसके सिलेबस को आप खुद देखिए, मैं बताता हूं एक एक
आपका जो टोटल सिलेबस है मैंने बताया, टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे और इसको एकदम ब्रीफ में समझ लीजिए। ब्रीफ में कैसे, तो सबसे पहले आपके लैंग्वेज का ऑप्शन होगा, हिंदी और इंग्लिश में से कोई आपको एक लैंग्वेज अटेम्प्ट करना होता है। तो क्या क्या लैंग्वेज में ऑप्शन है, तो इंग्लिश कंप्रिहेंशन, उस कंप्रिहेंशन के माध्यम से ही इंग्लिश ग्रामर का यूज होगा, इंग्लिश यूजेज आपका एरर्स होगा, जंबल पैराग्राफ्स आएंगे, उसके बाद सेंटेंस करेक्शन आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा, रीडिंग कंप्रिहेंशन आएगा, पैराग्राफ कंप्लीशन आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आएगा, एडियम्स एंड फ्रेजेस आएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं, तो हिंदी वाला देख लीजिए, हिंदी का क्या है आपका सिलेबस, तो हिंदी व्याकरण, अगर हिंदी व्याकरण या फिर इंग्लिश ग्रामर लिख दे रहा है तो उसमें ग्रामर का पूरा पोर्शन शामिल हो जाता है जो बेसिक ग्रामर है। अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ्यबोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, समानार्थी विलोम, मुहावरे एवं कहावतें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये अलग अलग क्या है, तो मैं अलग से सिलेबस का जब वीडियो बनाऊंगा तो वो समझाऊंगा, या फिर अपनी जब क्लासेज हम आप लोग लेते हैं तो उसमें हम आपको बताते हैं। ये समझिए कि आपको पूरा व्याकरण पढ़ना होगा, सारे जो टॉपिक्स हैं उसी व्याकरण के आधार पर ही आपके सॉल्व होने वाले हैं। अगले पॉइंट पर बात करें तो पहला हो गया हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है वो है मैथ्स या फिर आप कह लीजिए क्वांटिटेटिव एबिलिटी, उसमें है पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क। ये हो गया सेकंड टॉपिक। फिफ्थ टॉपिक क्या आपका कहता है, फिफ्थ टॉपिक कहता है कि लॉजिकल रीजनिंग, रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक अरेंजमेंट, सिक्वेंसिंग स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट स्टेटमेंट, अजम्पशन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इन्फरेंसेज, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉगी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। मैं आपको बता दूं कि ये जो भी इसमें सिलेबस दिया गया है वो सारे सिलेबस की ऑलरेडी हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि कैसे आपको तैयारी करना है, या फिर आपको नीचे शो कर रहा है कि स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करें तो वो डाउनलोड करके वहां से आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, एलएलबी का कोर्स है। ठीक, उसके बाद ये एक नई चीज ऐड हुई है इस साल जो कि पिछले वर्ष नहीं थी एलएलबी के सिलेबस में, वो है डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन। वो पिछले वर्ष एमबीए के सिलेबस में थी लेकिन एलएलबी में नहीं थी, अब इस बार इन्होंने ऐड तो कर दिया है लेकिन अभी भी क्लियर नहीं कहा जा सकता कि डीआई से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि नहीं पूछना चाहते हैं, लेकिन नए सिलेबस में अगर ऐड किया है तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है पूछे इस बार सवाल, तभी सिलेबस में इन्होंने ऐड किया नई चीज। तो डीआई में क्या है, पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार ग्राफ है, टेबुलर चार्ट है, मिक्स ग्राफ है, डाटा सफिशियंसी है, ग्राफ नंबर सिस्टम है, टेबुलेशन है, सेट एंड वेन डायग्राम्स है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो चार पार्ट में ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, और चार पार्ट में सिलेबस के कंप्लीट होने का मतलब हुआ कि लगभग सारे जो पार्ट है, किसी से 20 क्वेश्चन, किसी से 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, यही रेशियो आपके सारे पार्ट का रहना चाहिए, ऐसा आपको सिलेबस देख के लग रहा है। लेकिन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एनटीए ने ये नहीं बताया है कि किस पार्ट से कितना सवाल वो पूछेंगे, तो आपको पूरा पढ़ना होगा और सारे पर आपको बराबर फोकस करना होगा। अब अगले पॉइंट पर आते हैं कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं। देखो मैंने आपको कहा है कि ध्यान से पूरी बात सुन लीजिएगा, ये वीडियो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का है, अगर स्किप करेंगे सोचेंगे कि थोड़ा सा आगे भगा के देख लूं तो फिर कुछ छूट जाएगा, तो बाद में आपको पूछना पड़ जाएगा और 10 जगह भटकना पड़ जाएगा। ये है आपका COQP 11 पेपर कोड। अब मैंने कहा हुआ है कि COQP 11 जो पेपर कोड है वो LLB का कोड है और साथ ही साथ एक कॉमन पेपर कोड है। कॉमन पेपर कोड कहने का मतलब ही हुआ कि किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, बल्कि इस कोड में बहुत सारे कोर्सेज शामिल हो जाते हैं, इसलिए आपको सिर्फ LLB का देखना है तो मैं एक एक कोर्सेज का, एक एक यूनिवर्सिटी का बताते जाता हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा, थोड़ा सा स्पीड में भी आपको बता सकता हूँ क्योंकि समझना पड़ेगा आपको। ये देखिए यहाँ से COQP 11 का सिलेबस शुरू होता है और देख लीजिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज की वही है, 50% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं, बाकी कैटेगरी ST वगैरह के लिए 45% मार्क्स, और आपका जो सिलेबस है पैटर्न मैंने ऑलरेडी आपको सिलेबस बता दिया। ये LLB आपका है किस यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। अब यूनिवर्सिटीज की लिस्ट सुन लीजिए, फिर आप देखेंगे कि LLB यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गया, उसके बाद नीचे आइए, घबराना नहीं है कि सर यहाँ तो LLB अब नहीं दिख रहा है, सिर्फ हरियाणा का ही दिखा, क्योंकि कॉमन पेपर है तो बहुत सारे पेपर्स हैं तो उनका भी दिखाएगा, तो आप धीरे धीरे स्क्रॉल करते रहिएगा, स्क्रॉल करके जब आप सेकंड पर आएंगे तो हेमवती नंदन बहुगुड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी आ जाएगा श्रीनगर। अब और नीचे आइए, जो BHUDU का इंतजार कर रहे होंगे उनका भी ऑप्शन आएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, वो भी इसी में शामिल है, मैं आपको दिखा देता हूं। सारी चीजों का प्रूफ कंप्लीट वीडियो है, इसलिए आपको सब कुछ बताऊंगा, एक एक बात इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत ना पड़े। हाँ, एक काम जरूर करना कि मेहनत से कंटेंट तैयार करता हूं और मेहनत से एनालिसिस बनाता हूं और पूरी सच्चाई के साथ कि आपको सब कुछ बता सकूं, आपको सही मार्गदर्शन दे सकूं, इसलिए वीडियोस में अगर आप देखते हैं तो लाइक करिएगा और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर प्रेस किया करिए और शेयर भी कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स अगर जानकारी चाहते होंगे। ये देखिए ये आ गया BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी सेम पेपर कोड है COQP 11, जो मैंने पैटर्न बताया हुआ वही पैटर्न आपको फॉलो करना है। चलो आगे चलते हैं,
डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का भी यही सेम पैटर्न है। उसके बाद मानव रचना यूनिवर्सिटी एक है, वहाँ का भी वही है। और नीचे आइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी इंतजार होगा आपको, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी दिखा देता हूँ। ये हो गया के आर मंगलम यूनिवर्सिटी, और एलएलबी का देखिए, एलएलबी है अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज। दिख रहा है ना आप लोगों को? अगर लगता है कि स्पीड में है तो स्पीड स्लो कर लीजिए, या फिर पॉज करके देख लिया करिए बीच बीच में, जहाँ एलएलबी पर रुक रहा हूँ। चलो, मेवर यूनिवर्सिटी है, फिर आइए आगे आइए और देखते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी है भाई। जी डी गोयनका यूनिवर्सिटी है, और नीचे आइए और देखते हैं एलएलबी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। और देखते हैं, चलिए अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी नंबर आने ही वाला है मुझे लगता है। ये आ गया आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी बीकानेर, निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर, और आइए नीचे और नीचे आइए, ये आ गया आपका एपेक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान, फिर आपका बीएमएल मंजूल यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी एलएलबी। अब आ गया यहाँ पर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलएलबी देख लीजिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और पीजीक्यूपी 11, यानी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले अलग से एंट्रेंस होता था वो अलग से नहीं होगा, और अब इसी में शामिल है, और बीएचयू वाला ही कोड है जो सबके लिए कॉमन है। एक बार फिर से यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का दिया हुआ है, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मैंने आपको लगभग 13 से 14 या 15 यूनिवर्सिटीज के एलएलबी के बारे में आपको बताया है कि इसमें शामिल है। अब देख लीजिए मैं ये खोला कहाँ से हूँ, खोलने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे बाकी आप सोचना चाहते हैं कि सर और भी यूनिवर्सिटीज होंगी इसमें, तो सारी लिस्ट मैं आपको नहीं बता सकता, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करिएगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर क्लिक करिएगा, इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में नीचे स्क्रॉल करिएगा और देख लीजिए पेज नंबर कौन सा है। पेज नंबर की अगर मैं बात करूँ तो लगभग मैं 235 पेज नंबर तक आपको बता दिया हूँ, 235 पेज के नीचे आएगा सीओक्यूपी 11 में जितनी और भी जितनी यूनिवर्सिटीज होंगी उनका देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने क्लियर कर लिया कि हमारा सिलेबस क्या है और हमारी यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं। तैयारी के लिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए स्टडी कैपिटल का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए और कम समय में सही तैयारी के लिए आप स्टडी कैपिटल को ज्वाइन कर लीजिए, फीस भी बहुत ही कम है और आप बेस्ट तैयारी भी कर सकते हैं। ये आपका हो गया व्हाट्सएप का नंबर हमारा, अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी सवाल होगा तो वहां कर सकते हैं। अब एक पॉइंट बनता है कि सर एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या होगी, यानी एग्जाम कब होगा, तो फिलहाल अभी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2023 का एंट्रेंस एग्जाम, वो फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जून एक्सपेक्ट किया जा रहा है। वैसे आपका सेकंड वीक ऑफ जून में ही एग्जाम होने की संभावना है, या फिर थर्ड वीक ऑफ जून भी हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे हम लोग एडमिशन के लिए। तो एडमिशन का प्रोसेस, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आप सभी स्टूडेंट्स भर रहे हैं, एडमिट कार्ड आपका आएगा एंट्रेंस एग्जाम से पहले, आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, एंट्रेंस एग्जाम के बाद आंसर की आएगी, आंसर की के बाद आपका रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगा, और फाइनली आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में अगर मेहनत करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, तो एलएलबी के लिए आप एडमिशन ले सकेंगे और अपना जो भी आपका सपना होगा, चाहे आपका जज बनना सपना हो, लॉयर बनना आपका सपना हो, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में आपका जाना सपना हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आपको ये सारे रास्ते खोलती हैं, तो अगर इन रास्तों पर आपको जाना होगा तो आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। यही एक बेहतरीन तैयारी आपको करनी पड़ेगी, तो बेहतरीन तैयारी के लिए और अच्छे ढंग से तैयारी के लिए और जो बचे हुए समय उसमें तैयारी के लिए स्टडी कैपिटल के कोर्सेज के साथ आप जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्सेज ऑलरेडी हमारे ऐप पर रन कर रहे हैं, तो उसको ज्वाइन करने के लिए स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करिएगा, डाउनलोड करने के बाद हमारे कोर्स सेक्शन में विजिट करिएगा लॉग इन करने के बाद, और वहां पर आपको एलएलबी का कोर्स मिलेगा। और घबराइएगा नहीं कि सर एलएलबी का कोर्स पहले नंबर पर नहीं मिला, चूंकि यूजी पीजी सारे कोर्सेज हैं, एमए के बहुत सारे कोर्सेज हमारे लगभग 20 से 22 कोर्सेज रन करते हैं, तो उसमें आप ध्यान से खोज लीजिएगा एलएलबी का कोर्स और उसी को परचेज करिएगा, ठीक है। वहां लिखा होगा एलएलबी, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है या फिर कोर्स नहीं दिखता है वहां पे कि सर मुझे डायरेक्ट लिंक भिजवा दीजिए, तो आप अगर वहां पे एक बार प्रयास करिएगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, तो आपको यहां पर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट डिस्कस कर लिए। तो हमने ये सारे पॉइंट अपने डिस्कस कर लिए, बुलेट पॉइंट्स, फॉर्म फीस, पेपर कोड, एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, यूनिवर्सिटी, एग्जाम डेट, एडमिशन प्रोसेस एंड प्रिपरेशन। और इसमें मैंने कंपैरिजन भी आपको बता दिया कि पहले सिलेबस क्या था, पहले पेपर कोड क्या था, नया क्या है, यानी आपको कंप्लीट डिटेल मैंने देने का पूरा प्रयास किया। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन बच गई या फिर कुछ पूछना हो, वैसे मुझे नहीं लगता है कुछ बचा होगा, अगर कुछ बचा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, नहीं बचा है तो कमेंट बॉक्स में एक थैंक यू दे दीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, फर्दर अपडेट्स आपको एक एक अपडेट मिलती रहेगी यहाँ पर स्टडी कैपिटल पर। और लाइक कर दिया है आपने, शेयर कर दिया आपने, सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन प्रेस कर लिया है, तो स्टडी कैपिटल पर आ जाइए तैयारी के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।